गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम इन मैथ क्लासेस। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट योर न्यू टॉपिक्स अलजेब्रा चैप्टर्स 11। अलजेब्रा चैप्टर्स 11 देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अलजेब्रा होता क्या है, व्हाट इज अलजेब्रा। इससे पहले हम लोग पढ़े हैं अर्थमेटिक अर्थमेटिक पढ़े हैं, ज्योमेट्री पढ़े हैं, ज्योमेट्री। अर्थमेटिक्स के बारे में हम लोग जानते थे कि जो नंबर्स का यूज करते हैं, अगर मैथमेटिकल टर्म में नंबर्स का यूज करते हैं तो वो क्या होता है, अर्थमेटिकल मैथमेटिक्स, या ये ब्रांच है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। अर्थमेटिक क्या होता है, नंबर्स का यूज। दूसरा ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में 2D और 3D, टू डायमेंशनल और 3D फिगर, फिगर्स का हम लोग यूज देखे हैं, एग्जांपल्स फॉर ट्रायंगल्स या फिर स्क्वायर या फिर क्यूब। 3D में क्यूब, क्यूबाइट, स्क्वायर, रेक्टेंगल्स, ये सब जो हम पढ़े हैं वो आता है ज्योमेट्रिक्स मैथमेटिक्स में। अर्थमेटिक में आता है न्यूमेरिकल टर्म। नेक्स्ट आपका जो है न्यू टॉपिक अलजेब्रा, ये क्या होगा इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। ये दोनों क्या है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, और ये तीसरा भी है अदर ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स फॉर अलजेब्रा। अलजेब्रा आपके एक्सरसाइज में जो दिया गया है इसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं। इसमें क्या है देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अलजेब्रा जो होता है वो एक ऐसा देखिएगा, अलजेब्रा में अगर इस तरह के कोई मैच स्टिक्स लिया गया है, इस तरह का कोई मैच स्टिक्स लिया गया है, और नंबर्स ऑफ मैच स्टिक्स क्या है इसमें, 1 इस तरह से है और 2 इस तरह से, 2 है, और ये फॉर्मेट जो बना रहा है वो एल्स बना रहा है। ये क्या बना रहा है, एल्स फिगर बना रहा है, फिगर। एल जो डिजिटली अल्फाबेटिकली एल होता है उसको हम मैच स्टिक्स के द्वारा बनाया गया है। अब इसमें हमको अलजेब्रा में क्या है कि इस अलजेब्रा से हम लोग पढ़ेंगे कि इसका रूल्स किस तरीके से बनाया जाता है, इससे हम फॉर्मूला किस तरीके से बनाया जाता है वो हम आज अलजेब्रा में पढ़ेंगे। तो मैच स्टिक्स जो है, अगर आपसे पूछा जाए कि अभी अभी इसमें कितना फिगर्स एल बना है, एल का जो फिगर है वो कितना बना है, 1 है, तो अगर एल्स 1 बना है तो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स कितना लगा है, 2। काउंट कीजिएगा, 1 2। अगर एक एल बनाने के लिए आपको कितना मैच स्टिक का जरूरत पड़ा, 2। इस तरीके से हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे बना के। अगर अगर इसमें हमको एक और मैच स्टिक्स बनाना है, कुछ इस तरह से अगर बनाना है, एक और मैच स्टिक्स एल बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से 2 और मैच स्टिक्स जोड़ दिए तो एल और एल, नंबर्स ऑफ एल कितना हो गया, 2। तो नंबर्स ऑफ एल क्या हो गया, 2, बट मैच स्टिक्स कितना हो गया, 1 2 3 4, मैच स्टिक्स कितना हो गया, 4। इस तरीके से हम देखते जाते हैं कि जब जितना भी हम, अगर इसमें और एक एल बनाना है, एल बनाना है, तो हम देखते हैं इसमें नंबर्स ऑफ एल, 1 2 3 एल बना है, तो ये हम लिख सकते हैं नंबर्स ऑफ एल कितना हुआ, 3। अब इसको काउंट करेंगे तो मैच स्टिक्स 1 2 3 4 5 6,
बट क्या है कि आप ज्यादा अगर नंबर्स ऑफ 10, 20 इस तरह से एल्स बनाना होगा तो आप ये संभव नहीं है कि हमेशा इसको काउंट करें। तो इसके लिए हम कुछ अलजेब्रा, इसी के लिए हम अलजेब्रा का पढ़ते हैं कि ये क्या कहता है कि जब कोई ऐसा हो तो उसका हम कुछ रूल्स और फॉर्मूला बना लेते हैं जिससे हम आसानी से इसको नंबर्स ऑफ मैचेस्टिक्स, नंबर्स ऑफ फिगर्स या कुछ भी इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें देखिए 3 है, हम इसमें देख रहे हैं कि 1 × 2 हुआ तो क्या नंबर ऑफ मैचेस्टिक्स, फिगर्स 1 था उसमें 2 से मल्टीप्लाई किए तो नंबर ऑफ मैचेस्टिक्स निकल गया। फिगर अगर 2 है तब भी उसमें 2 से मल्टीप्लाई किए तब क्या हो गया, नंबर ऑफ मैचेस्टिक्स निकल गया। उसी तरह फिगर अगर 3 है तब भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मैचेस्टिक्स निकल जाएगा। अब इसको काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, नंबर ऑफ मैचेस्टिक्स 6 ये निकल गया। तो इसमें क्या हो गया, कॉमन क्या है, 2 है। अगर आपसे बोला जाए कि नंबर्स ऑफ 30 एल्स, नंबर ऑफ 30 एल बनाना है आपको, आपके पास कितना मैचेस्टिक्स का जरूरत पड़ेगा, तो इसके लिए क्या है कि अब आप ये देख लिए हैं, रूल्स बनाना सीख गए हैं, इसमें रूल्स क्या हो रहा है फॉलो कर रहा है कि 1 फिगर्स बनाने के लिए 2 मैचेस्टिक्स का जरूरत है, 2 फिगर बनाने के लिए 4 मैचेस्टिक्स का जरूरत है, यानी आपको 2 क्या है कॉमन है इसमें। तो अगर 30 मैचेस्टिक्स बनाने के लिए होगा तो 30 × 2 = 60 मैचेस्टिक्स का जरूरत पड़ेगा। तो 2 जो आया कॉमन, ये जो हुआ 2, और अगर इसमें हम n रख दिया जाए और n क्या है नंबर ऑफ एल फॉर्मेट या फिर फिगर, n क्या है, n को हम लोग मान लिए कि नंबर्स ऑफ एल फॉर्मेट या फिगर है, तो 2n यही हो गया इसका फॉर्मूला। अगर नंबर्स ऑफ मैचेस्टिक्स, नंबर्स ऑफ स्टिक्स पूछा जाए तो 2 × n ये हो गया। अब ये है क्या चीज, अब ये n जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई है, एक्चुअली में ये है क्या चीज, इसी को हमको पढ़ना है अलजेब्रा में। तो नंबर्स ऑफ एल, इससे हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारा इसमें 60, 100, अगर एल इस तरह का 100 एल बनाना है तो आपको कितना मैचेस्टिक्स का जरूरत पड़ेगा, या फिर आपको अगर मैचेस्टिक्स बता दिया जाए कि यहाँ पे अगर आपके पास 50 मैचेस्टिक्स है तो नंबर्स ऑफ एल कितना होगा। तो नंबर्स ऑफ एल के लिए क्या होता है, नंबर्स ऑफ एल को एन मानते हैं इंटू टू इक्वल टू, तो एन इक्वल टू 25, यानी कितना फिगर्स बनेगा 25। तो ये चीज जो हो रहा है वो क्या है, एन जो है, एन क्या है, व्हाट इज एन, एन यहां पे क्या है, तो एन एक वेरिएबल है, वेरिएबल है, एन क्या है, एन एक वेरिएबल है, और वेरिएबल क्या कहा जाता है, जिसका नॉट फिक्स वैल्यू या जिसका फिक्स वैल्यू नहीं है। वेरिएबल का क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं इससे पीछे कि वेरिएबल जो होता है एक्स वाई जेड अल्फाबेटिकल नंबर कुछ भी रख सकते हैं जिसका कि कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, उसका नंबर्स ऑफ फिगर्स आप बताइएगा, अगर 2 है तो 4 हो जाएगा, अगर नंबर ऑफ फिगर 6 है तो 12 हो जाएगा। इस तरह से एन जो है वो क्या है, वेरिएबल है, और वेरिएबल से हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरी वेरी बोल सकते हैं इसको, और क्या बोल सकते हैं इसको, चेंज, जो क्या होता है चेंज होगा, वो कोई फिक्स नहीं है। जैसे अगर आपके पास 2 लिखा हुआ तो 2 एक फिक्स वैल्यू है, ये क्या है फिक्स्ड वैल्यू है, बट 2 क्या है एक फिक्स वैल्यू है, बट n क्या है, n नॉट ए फिक्स, ये क्या है फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, जिसे हम लोग वेरिएबल कहते हैं। तो ये जो रूल्स बना वो अलजेब्रा, इसी को अलजेब्रा बोला जाता है। अब अलजेब्रा क्या है, जो एक्सप्रेशन होता है, अगर 2 + 4 लिखा हुआ है इक्वल टू कुछ इस तरह का लिखा हुआ है तो ये एक्सप्रेशन कहलाता है, बट इसी में अगर लिखा हुआ 2n ऐसा कुछ लिखा हुआ तो ये भी एक क्या है, एक्सप्रेशन है। इसमें वेरिएबल और कॉन्स्टेंट
अगर टू फिक्स वैल्यू है तो उसको क्या हम लोग बोलते हैं, कांस्टेंट। तो टू एक कांस्टेंट है और एक्स क्या है, वेरिएबल है। ये दोनों का या तो प्लस हो सकता है, या तो मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, या तो डिवीजन हो सकता है, या तो सब्सट्रैक्शन हो सकता है। अगर ये मैथमेटिकल टर्म हो सकता है तो वो क्या हो जाता है, एक एक्सप्रेशन बन जाता है, 2x 5x या n+5 या फिर 2n+5, इस तरह का जो एक्सप्रेशन बनता है वो अलजेब्रा, यही होता है, अलजेब्रा में ही बनता है ये, इसको हमको अलजेब्रा में पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बढ़ते हैं तो इसमें क्या होता है, अगर नंबर्स ऑफ इस तरह से सी बोला जाए तो ये क्या है, सीज फॉर्मेज फिगर, अल्फाबेटिकल नंबर सी जानते हैं, उसी को डिजिटल रूप में इस तरह से लिखा जाता है। अगर इसके बारे में बोला जाए कि ये कितना मैच स्टिक से बना हुआ है, तो नंबर्स ऑफ मैच स्टिक्स आप जानते हैं क्या है, 3 है, और नंबर्स ऑफ फिगर या फिर सी फॉर्मेट ये कितना है, ये कितना है, तो 1 है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि इसमें अगर आपको दो इस तरीके से एक और सी इसमें जोड़ दिया जाए, यानी दो फिगर्स बनाया जाए, तो इसमें फिगर कितना हो गया, नंबर ऑफ सी, सी फॉर्मेट 2 हो गया, और नंबर ऑफ मैच स्टिक्स कितना हो गया, 6। तो इस तरीके से अगर नेक्स्ट बनाएंगे तो कितना होगा, तो हम जान रहे हैं कि 1 × 3, 2 × 3, और अगर नेक्स्ट अगर हम करते हैं इसमें एक और मैच स्टिक्स इसमें हम ऐड कर लेते हैं तो कितना हो गया, 1, 2, 3, नंबर्स ऑफ फिगर क्या हो गया, 3। तो इसमें मैच स्टिक्स कितना होगा, तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तभी 9 आएगा। काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इसका जो रूल्स बन रहा है वो क्या बन रहा है, आपको खुद से बनाना है, इसका रूल्स क्या बन रहा है। तो अगर हम एन मान लेते हैं, लेट नंबर्स ऑफ फिगर बी एन, एन मान लेते हैं, तो वो कितना का कॉमन हो रहा है, तो 3n। तो मैच स्टिक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3n। यही रूल्स बना अलजेब्रा का, ये एक क्या हो गया, फॉर्मूला। अब नंबर्स ऑफ जितना भी फिगर्स आपको ड्रॉ करना है वो सारा क्या हो जाएगा, नंबर्स ऑफ मैच स्टिक्स आप इससे निकाल सकते हैं, या फिर नंबर्स ऑफ मैच स्टिक्स आपके पास दिया हुआ है, जैसे आपके पास 12 मैच स्टिक्स दिया हुआ है और आपसे पूछा जाए कितना सी बनेगा, तो आप ये जानते हैं कि 12 = 3n, नंबर्स ऑफ मैच स्टिक्स इक्वल टू 3 × n, ये फॉर्मूला है इसका। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12/3 इक्वल टू 4, यानी कितना फिगर्स ड्रॉ होगा, सी सी जो है वो नंबर्स ऑफ 4 ड्रॉ होगा। नेक्स्ट है कि सिर्फ हम इस तरह का अल्फाबेटिकल ही नंबर में नहीं शो करते हैं, और भी इसका यूज है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, अगर आपसे बोला जाए 1 पेन = ₹5, 5 रुपीज में 1 पेन मिलता है, तो 2 पेन अगर आपको खरीदना होगा तो कितना रुपीज लगेगा, 10। अगर 3 पेन आपको खरीदना होगा तो कितना रुपीज लगेगा, 15। इस तरीके से तो नंबर्स ऑफ पेन और क्या है, कितना का मल्टीपल हो रहा है, इस तरीके से जब करेंगे हम तो कितना, 1 पेन का कीमत क्या है, 5 रुपीज, तो एन पेन का कीमत कितना है, तो 5n हो जाएगा, 5n, ये रूल्स हो जाएगा। नंबर्स ऑफ पेन, इसको अगर नंबर्स ऑफ पेन बोला जाए तो क्या हो जाएगा, रूल्स 5n। आपसे अभी पूछा जाए कि 10 पेन का प्राइस कितना होगा, तो आप सिंपल क्या कीजिएगा, 5 × n के जगह पर क्या है, 10 = 50, इस तरीके से। तो ये भी क्या है, एक अलजेब्रा में इस तरीके से हम किसी भी एक्सप्रेशन को, हम किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करके उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अगर बोला जाए यूज ऑफ वेरिएबल इन ज्योमेट्री, या फिर यहाँ जो भी बोल सकते हैं, इन ज्योमेट्री अगर बोला गया है,
तो आप वेरिएबल का यूज किस तरीके से ज्योमेट्री में करते हैं, या फिर अलजेबरा का यूज किस तरीके से आप ज्योमेट्री में करते हैं। तो आप अभी नेक्स्ट इससे प्रीवियस क्लास जो पढ़े थे वो क्या पढ़े थे, पेरीमीटर और एरिया। अगर किसी स्क्वायर बॉक्स का पेरीमीटर निकालना है तो आप जानते हैं स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, फोर साइड, फोर इंटू साइड होता है। और अगर साइड एल दिया हुआ है तो यानी स्क्वायर है तो सभी इसका एल होगा साइड, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, फोर एल, इस तरीके से लिखते हैं। तो ये जो फोर एल हुआ ये ही हो गया आपका क्या, इसमें एल जो है वो वेरिएबल है। यहाँ पे एल का वैल्यू, एक स्क्वायर बॉक्स किसी भी टाइप का, उसका लेंथ हो सकता है, उसका साइड किसी भी तरह से हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो ये जो एल है, एल क्या है, वेरिएबल है। इस तरीके से हम ज्योमेट्री में यूज करते हैं या फिर एरिया निकालने के लिए सीखे थे। तो साइड का क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होता है, साइड क्या है इसका एल, तो एल का स्क्वायर, एल क्या है यहाँ पे, वेरिएबल। ये वेरिएबल क्या है, जिसका हम लोग वैल्यू चेंज कर सकते हैं, उसका वैल्यू चेंज कर सकते हैं, उसी को हम लोग, तो इस तरीके से हम लोग ज्योमेट्री में पढ़े थे यूज करना। अब नेक्स्ट है अर्थमेटिक में हम क्या पढ़े थे, देखिएगा अगर आपसे बोला जाए कि अर्थमेटिक में हम लोग वेरिएबल का यूज किस तरीके से पढ़े थे, अर्थमेटिक्स में क्या पढ़े हैं, अर्थमेटिक में आप लोग वेरिएबल का यूज क्या पढ़े हैं इसको देखा जाए, तो अर्थमेटिक में जो पढ़े हैं वो क्या होता है, हम लोग पढ़े थे a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, या फिर a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी था आप लोग पढ़े होंगे। ये क्या है, ये एक वेरिएबल है जिसका हम लोग यूज पढ़ते हैं, 4 प्लस 2 इक्वल टू 2 प्लस 4, ये दोनों का वैल्यू क्या होता है, इक्वल होता है, या 4 इंटू 2 इक्वल टू 2 इंटू 4, ये भी क्या होता है, एक दूसरे का इक्वल होता है। तो जो यूज किए हम ये रूल्स का, फॉर्मूला का, वो हो गया आपका वेरिएबल, और अलजेबरा का यूज किए हम लोग अर्थमेटिक में इस तरीके से, और भी बहुत सारे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस तरीके से आगे नेक्स्ट पढ़ते जाते हैं। ये सब क्या है, एक वेरिएबल है जो अलजेबरा में यूज किया जाता है, और उसको हम हर एक अर्थमेटिक में, ज्योमेट्री में, या और भी मैथमेटिकल टर्म में यूज कर सकते हैं। देखिएगा इसमें कहा जा रहा है एक्सप्रेशन विथ वेरिएबल। आप इसका एक्सप्रेशन जो अभी हम आपको बताए थे, x प्लस 5 ये लिखा हुआ, ये क्या है, एक्सप्रेशन, जहां कांस्टेंट और वेरिएबल क्या है, ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड के रूप में जुड़ा हुआ हो तो वो क्या होता है, एक्सप्रेशन कहलाता है। तो अगर ये यहाँ लिखा हुआ x प्लस 5 तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, 5 इज एडेड फ्रॉम x, क्या है, 5 इज एडेड फ्रॉम x या 2x, क्या लिख सकते हैं, 2x, इस तरीके से। तो इसका दो रूप हो गया, पहला तो ये जो दिया हुआ है ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल है, और उसको एक्सप्रेस हम किस तरीके से वर्ड में करते हैं, तो 5 को x के साथ ऐड किया जा रहा है, या फिर यहाँ बोला जाए x माइनस 5, तो यहाँ क्या हो रहा है, 5 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम x, x में क्या किया जा रहा है, 5 सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है। तो ये सब जो हम पढ़ेंगे आगे, इसी तरह से मल्टीप्लाई, अगर 5x लिखा है तो 5 इज मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स के साथ 5 को क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं। ये सब क्या है, एक एक्सप्रेशन है
वेरिएबल का, जिसको हम वर्ड में एक्सप्रेशन में हम इस तरह से लिख सकते हैं या फिर उसको वर्ड में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर 5/x लिखा हुआ है तो x इज, या इसको इस तरह से लिखिए x/5 ये लिखा गया है, तो x इज डिवाइडेड बाय 5, क्या हो रहा है 5 इज डिवाइडेड बाय x, x में क्या हो रहा है 5 डिवाइड किया जा रहा है। तो ये सारा मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन ये सब भी आप एक वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ इस तरह से एक्सप्रेशन बना सकते हैं, रिलेशन बना सकते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन विथ वेरिएबल्स। ये एक टॉपिक था आपका। नेक्स्ट है बोला जाए यूज ऑफ एक्सप्रेशन प्रैक्टिकली, हम इस एक्सप्रेशन को जो अभी आप बनाए थे एक्स प्लस 5 या फिर कुछ भी इस तरह से एक्स माइनस 5, उसको हम यूज किस तरीके से करते हैं। तो अगर आपसे बोला जाए आई हैव 5 मोर मार्बल देन राहुल, क्या कहा गया इसको पढ़िए और इसको एक्सप्रेस करना है। आई हैव 5 मोर मार्बल्स देन राहुल, तो ये जो है लिखा हुआ ये एक्सप्रेस किया हुआ है वर्ड में, इसको हमको एक्सप्रेशन बनाना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है। तो उसके लिए क्या है कि आप इसमें कैसे आप इसको बना सकते हैं, ये प्रैक्टिकली हम लोग देखें इस तरह से बोल चाल के भाषा में हमेशा इस तरह का यूज करते हैं। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, जब भी इस तरह का कोई एक्सप्रेशन वर्ड मिले तो उसको हम लोग अपने खुद पे लेंगे। देख रहे हैं आई हैव 5 मोर, मेरे पास क्या है 5 ज़्यादा मार्बल्स है, किससे राहुल से, तो राहुल के पास क्या है ये नहीं पता है आपको, लेकिन राहुल से 5 मार्बल मेरे पास ज़्यादा है। तो इस तरह का जो केस होता है उसमें हम लोग करते हैं लेट राहुल मार्बल बी एक्स, हम क्या करेंगे राहुल के पास कितना मार्बल है नहीं पता, बट मुझे पता है कि राहुल से 5 मार्बल मेरे पास ज़्यादा है, तो राहुल के पास जो मार्बल है उसको हम लोग एक्स मान लेंगे, यही होता है वेरिएबल मान लेंगे। ये पता नहीं कितना है बट अगर 5 होगा तो 10 मेरे पास होगा, अगर उसके पास 10 होगा तो 20-15 मेरे पास होगा, तो वो जो है वेरी कर रहा है, वो पता नहीं डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम इसको वेरिएबल मान लेंगे। अल्फाबेटिकल नंबर एक्स वाई जेड कुछ भी हम इसको मान सकते हैं। तो हम क्या कर लेंगे लेट राहुल्स मार्बल्स बी एक्स, उसके पास कितना मार्बल्स है एक्स, देन आई हैव देन आई हैव, तो मेरे पास कितना होगा एक्स उसके पास है तो एक्स से ज्यादा है, जिसके राहुल से ज्यादा है कितना 5, तो राहुल का जितना है प्लस 5, ये जो हो गया एक्सप्रेशन एक्स प्लस 5 ये आया इस स्टेटमेंट का हमको एक्सप्रेशन अलजेब्रिक क्या मिला एक्स प्लस 5। एक्स क्या है राहुल के पास मार्बल है और उससे 5 ज़्यादा मेरे पास मार्बल है। तो ये लैंग्वेज को हमको समझना है, अलग अलग तरीके से दिया रहेगा उसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे एक अलजेब्रिक टर्म में। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट, इसमें बोला जाए राजू इज 6 इयर्स यंगर देन अजय से, राजू इज 6 ईयर यंगर देन अजय, इसका सेंस क्या है या इसको आप एक्सप्रेस कीजिए किस तरीके से कर सकते हैं।
राजू इज 6 ईयर यंगर देन अजय, इसको आप एक्सप्रेस कीजिए। तो यहाँ का राजू 6 ईयर यंगर मतलब छोटा है 6 ईयर किससे, अजय से। तो अजय कितना का है ये नहीं पता। अजय का अगर एज 12 ईयर्स है तो राजू का एज उससे 6 साल छोटा मतलब यंगर क्या है, राजू है। तो जिसके बारे में नहीं पता है उसी को माना जाता है, और जिसके बारे में रिलेशन दिया हुआ है कि राजू इज 6 ईयर्स यंगर, राजू 6 साल छोटा है किससे, अजय से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट अजय एज बी एक्स ईयर्स, एक्स ईयर्स अजय का एज कितना है, एक्स ईयर्स, देन राजू एज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इससे छोटा है। जब उससे छोटा है तो यानी क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा। अगर अजय का एज यहाँ पे 10 ईयर्स होता तो इससे 6 साल छोटा, यानी 6 इसमें माइनस करते तो 4 ईयर्स, यानी राजू का एज कितना हो जाता, 4 ईयर्स। उसी तरह से इसका एज अगर एक्स ईयर्स है तो इसका एज क्या हो जाएगा, एक्स माइनस सिक्स। ये हो गया आपका एक्सप्रेशन एक्स माइनस सिक्स। तो राजू का जो एज है वो क्या है, एक्स माइनस सिक्स। एक्स यहाँ पे वेरी कर रहा है, अगर आपको अजय का एज पता चलेगा तभी आपको राजू का एज पता चल सकता है।